मोटिवेशन की दुनिया में अगर कुछ अलग नया और प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी एक भी वीडियो मिस ना करें। एक बार हुआ क्या, एक राजा था, राजा की बेटी जवान हो गई, उसने बोला अब इसकी शादी करानी है, तो उसने एक ना स्वयंवर रचा अपनी बेटी के लिए। तो बहुत सारे लोग आए और उसका एक बोला था कि यार मुझे ऐसा कोई इंसान चाहिए जो बहुत दबंग हो, जो बहुत ब्रेव हो, एंड वो इंसान जो मुझे दिख गया उसकी शादी में करा दूंगा अपनी बेटी के साथ, सिंपल आंसर। ओके, सो बहुत सारे लोग आते हैं तो राजा साहब बोलते हैं कि हम लोग यहां खड़े हैं नदी के इस पार, राइट, आपको जाना है नदी के उस पार, वो मेरा महल है और आपको सिर्फ इसमें कूदना है, वहां जाना है जो वहां पहले पहुंच गया, महल उसका, मेरी बेटी भी उसकी, साम्राज्य उसका। बोले वाह बहुत सिंपल, मैं कर लूंगा ना भाई, तुम्हारा वॉरियर है, राइट। अब प्रॉब्लम ये था, उसने बोला कि इसके अंदर ना मगरमच्छ हैं बहुत सारे, इसके अंदर बहुत सारे मगरमच्छ हैं। अब सब लोग जो दबंग थे समझ गए ना, मैं बोल नहीं सकता। सो अब 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, वो उनकी बातें चल रही खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर, और यहां से जोर से आवाज आती ठस, देखा तो कोई बंदा पानी में गिर गया था। अब वो इतना फास्ट जा रहा है, इतना फास्ट जा रहा है, इतना फास्ट जा रहा है, सब लोग देख रहे हैं उसके पास, क्या बंदा है यार। और वो ऊपर चढ़ जाता है और वहां से उसको पूछता, राजा साहब भाई मुझे मेरा दामाद मिल गया। वो बोलता है वो सब तो ठीक है, मुझे धक्का किसने मारा, राइट। मतलब क्या वो इंसान को पता था कि वो कर लेगा, बट वो कर गया। इट इज द स्टार्ट दैट स्टॉप्स मोस्ट पीपल, इट इज द स्टार्ट दैट स्टॉप्स मोस्ट पीपल। बोलते ना जस्ट डू इट, ये गलत है यार, इतना आसान नहीं है जस्ट डू इट। लड़की पसंद है प्रपोज कर, जस्ट डू इट भाई नहीं होता, राइट। जॉब छोड़ दे बिजनेस कर, भाई नहीं होता, जस्ट डू इट। बट जस्ट गेट स्टार्टेड, हाउ इज दिस, सुनने में कम सेक्सी है ये, जस्ट डू इट बहुत सेक्सी है, उनको बेचना है यार जूते बेच रहे हैं उनको, बट रियलिटी में काम करता है कि हर बार, मे बी नॉट, बट मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि खत्म करो, शुरू तो करो, जस्ट गेट स्टार्टेड। एंड देखो जब वो इंसान पानी के अंदर था, अब उस पर 2 फोर्सेस काम कर रही थी। पहला क्या था, इंस्पिरेशन कि भैया जिंदा रहना है, और दूसरा क्या था, मतलब मुझे लाइफ चाहिए मेरी, और दूसरा क्या था, मोटिवेशन कि अगर तैरूंगा नहीं तो वो खा लेगा। मतलब यहां से भी गए, यहां से भी गए, दोनों काम कर रहे तो बहुत बढ़िया, दोनों अगर आपको मतलब आपके पास एक इंटरनल रीजन है जो खुद का है एंड आपको उसके लिए एक्सटर्नल रिवॉर्ड भी मिल रहा है तो बहुत बढ़िया। मैं मोटिवेशन के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जितना इंपॉर्टेंस हमने उसको दिया है उतना वो डिजर्व नहीं करता, सिंपल है। पॉइंट समझ में आ रहा है, मतलब उस इंसान को सिर्फ स्टार्ट करने की देरी थी और ये स्टार्ट ही हमको मारता है। अब थोड़ा स्टार्ट पे काम करते हैं, पहले समझ में आया मोटिवेशन प्रॉब्लम है, फिर समझ में आया मोमेंटम सॉल्यूशन है, फिर समझ में आया स्टार्ट करना है, अब देखते हैं स्टार्ट कैसे करना है। Why we don't start? The law of diminishing intent, intention or time. ये law क्या बोलता है कि intention कम, time जैसे बढ़ रहा है intention कम हो रहा है। Intention क्या कि मुझे एक impulse आ रहा है कि इच्छा हो रही है कि कुछ करूं, कुछ खाऊं, कुछ भी करूं, मतलब intention है कि for example आपकी mom बोलती है कि बेटा खाना खाने के बाद plate साफ करके रख देना, तो यू नो मतलब लगता है intention आया, कर देता हूं आज, मम्मी रोज बोलती है आज कर ही लेता हूं यार, फिर रख दिया आपने, छोड़ना करता हूं 5 मिनट बाद, थॉट आया चलो पढ़ाई करता हूं, राइट। और फिर वहां से बेबी का मैसेज आता है, टाटा, यू फोन हाथ में लिया, अब आधा घंटा चला गया, अब चांसेस कितने कि आप पढ़ाई करोगे, बहुत कम ना, बहुत कम। वही होता है, वही लॉ है। नेक्स्ट लॉ क्या है, द लॉन्गर यू वेट टू डू समथिंग यू शुड डू नाउ द ग्रेटर द ऑड्स दैट यू विल नेवर एक्चुअली डू इट। जितना ज्यादा आप उस काम को करने के लिए रुकोगे जो आपके लिए करना सही है, उसको आप टालोगे कि 5 मिनट बात करता हूं, 10 मिनट बात करता हूं, उतने उतने चांसेस कम हो जाएंगे कि आपको आप वो काम शुरू करोगे। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग इंटेंट, टाइम के साथ इंटेंशन इच्छा कम होती है। पॉइंट समझ में आ रहा है, सो मतलब मैंने क्या कहा था, इंटेंशन और एक्शन का गैप है यहां पे, ये है लेजीनेस। और हम लोग फोकस कहां कर रहे हैं कि क्या करना है, सॉरी हम लोग कहां फोकस करें कि फीलिंग कैसी है, नहीं काम को करने के लिए फोकस कहां करना है कि क्या काम है और उसको मैं कैसे निपटाऊं जल्दी, 1 2 3 एक्शन, राइट। सो जितना आप रुकोगे, सो अब इसके अंदर ही सीक्रेट है,
ये लॉ हमसे क्या बोल रहा है कि इसके पहले कि तेरी इच्छाएं प्रकट हो कि तू सोचे करूं कि नहीं करूं, मैं कैसा फील कर रहा हूं, मूड है क्या मेरा, मन है क्या मेरा, उसके पहले एक्शन ले, उसके पहले एक्शन ले, फीलिंग आने से पहले एक्शन ले लेना, सिंपल एज दैट। द गैप बिटवीन इंटेंशन एंड फीलिंग, सीक्रेट ये है कि वो फीलिंग आने के पहले आपको एक्शन लेना है, ये है भैया पूरा फंडा। द प्रोक्रेस्टिनेशन इक्वेशन, लेजीनेस इज इक्वल टू टाइम डिवाइड बाय मूड। अब लेजीनेस मतलब बेसिकली भाई काम को टालना, ठीक है, जैसे जैसे आप टाइम यू नो बढ़ेगा, मैंने क्या बोला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग इंटेंट, जितना टाइम आप ज्यादा लगाओगे इच्छा और कम होती जाएगी, उसको और टालोगे टाइम के साथ लेजीनेस बढ़ेगा। एक और एग्जाम्पल, ये एग्जाम होती है एक महीने बाद, वन डे सॉरी 30 दिन 30 चैप्टर, एक दिन में एक चैप्टर, 15 दिन स्टिल 30 चैप्टर्स, एक दिन में दो चैप्टर, उसके बाद 10 दिन एक दिन में 3 चैप्टर, हम सुधरेंगे नहीं। और जैसे जैसे एग्जाम की रात पास आती है, एग्जाम की रात में हमारे अंदर जो माता आती है, हा खत्म। मतलब जैसे जैसे टाइम कम होता है, मूड इंक्रीज हो रहा है पढ़ाई करने का, लेजीनेस कम हो रहा है, टाइम बहुत है, दो महीने बाद है ना, देखेंगे ना यार, बगुन अंतर बगू ना, टाइम कम एक्शन लो भाई। बॉस बोलता है देखो सबमिट करना ही है एक महीने बाद, हाँ करेंगे ना, कल शाम को चाहिए, वो बंदा एक्स्ट्रा ही बैठेगा, अदरवाइज चलो कॉन्फ्रेंस रूम में। समझ में आया, ये फंडा है। मोटिवेशन की दुनिया में अगर कुछ अलग नया और प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी एक भी वीडियो मिस ना करें।